राजकुमारी आइए। राजकुमारी जी, राजमाता कैसी हैं? सब कुशल मंगल है। ये नई मेड है? अरे नहीं नहीं, ये हमारी मेड नहीं है, ये तो बहुत बड़ी हीरोइन है, लवलीन जी, लवलीन चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की कुछ लगती हो? नहीं नहीं, वो तो दूजी है। पिछले हफ्ते प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन हमारे महल आए थे, राजमाता और राजपिता को कृष्ण 3 दिखाने आए थे। अच्छे लोग हैं। हाँ, शायद मैं भी अगली फिल्म ऋतिक रोशन के साथ ही करूंगी। अच्छा। आपको गर्मी लग रही है तो मैं पंखा चला दूं? अरे नहीं नहीं लवलीन जी, ये इनको नेचुरल हवा ही अच्छी लगती है। बस मेरे लिए राजकुमारी की जय हो, प्रिंसेस की जय हो, जय हो प्रिंसेस की, जय हो प्रिंसेस की, जय हो प्रिंसेस की। एक बात पूछूं, आपने जो इतना जेवर पहना हुआ है वो आपको बोझ नहीं लगता? अपने घर में आई हूँ इसलिए कम पहनी हूँ, वरना मेरे पास मिनरल वाटर है, वो ले क्या? नहीं, हम अपने घर में अपनी फैक्ट्री का बना हुआ पानी पीते हैं। पानी ग्लास के बराबर है। ये राजमाता ने आपके लिए भेजा है। शुभ शांति के लिए है, इसे टेबल पर हॉल के बीचों बीच रख देना। जी राजमाता। लाइए प्रजा जी, इसको मैं रख देता हूँ। नहीं जसबीर प्राजी, ये बहुत महंगे, मैं संभाल के ना अलमारी में रख देती हूँ। इतना कीमती तो नहीं है, 50-60 लाख का होगा। ये घर इतना पवित्र करता है कि यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। और जो ब्लू वाला हीरा है ना, आप उसे टेबल पे बीचों बीच रख दीजिए। जी राजमाता, मैं अभी रख देती हूँ। ये वही जगह सही है, यहाँ रखिए, आपका घर पवित्र हो जाएगा, आपके घर पर कभी चोरी नहीं होगी, सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है, मैं रख देती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? बस कीजिए लवलीन जी, बस कीजिए, आपका रुमाल ना पूरा गीला हो चुका है। अब एक काम कीजिए, अब दुपट्टे से आंसू पोंछ लीजिए। आपको पता है मैं दुपट्टे वाले कपड़े नहीं पहनती, आखिर हीरोइन हूं ना मैं। तो फिर रोना बंद कर दीजिए। अमृता, ये कौन है? तेरी दूसरी बेटी है? ओफो फूफी, मेरी तो पहली भी बेटी नहीं है, तो दूसरी कहां से होगी? तो फिर ये कौन है? अरे ये तो प्रिंसेस खुशपुसिया है। राजकुमारी, तो ये हमारे घर पे क्या कर रही है? फूफी, मैं 2 दिन के लिए तो आई हूँ ना।
एक मिनट, जब आपको फूफी जानती नहीं तो आपको कैसे पता ये फूफी है? जब ये अमृता की फूफी है तो मेरी भी तो फूफी हुई ना। रविंदर कहाँ है? फूफी, वो रविंदर अपने दोस्तों के पास गया है कुछ दिन रहने के लिए। वैसे तो मैंने राजकुमारी को पहली बार देखा है, पर मुखड़ा है ना, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैं तो आती रहती हूँ ना फूफी। आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। फूफी कल रात को ही तो सुनी थी ना। पर प्रिंसेस तो सुबह आई है ना, तो फूफी ने फिर कल रात को आवाज कैसे सुन ली? कल रात को जब मैंने फोन किया था तो फूफी ने उठाया था। अच्छा ये बता गमगीन, तू कौन से स्कूल में पढ़ती थी? देखा लवलीन जी, आपका नाम भी गलत बोल रही हूँ, गमगीन। इनको कुछ याद ही नहीं रहता, अब समझ आया ये सब ऐसा क्यों बोल रही है? समझ गई। परजय जी, वो पंचायत का काम हो गया है, कुछ और काम हो तो बताइए। मेरे लिए पिस्ता लाए। और तुझे सारा दिन खाने की पड़ी रहती है? नहीं तो सीखा है, खाओ और फिर खेत में जाओ। चलो। अरे पापा जी। अरे पापा जी। खामोश। अरे इसे क्या हो गया? जो होना था वो हो गया, मैं तुम्हारी हकीकत जान गया हूँ।